ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। साधना न्यूज विशेष में लगातार ब्रेक के पहले जिस सवाल को मैं उठाने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, परिवर्तन यात्रा एक अभियान हो सकता है, लेकिन जो बस है बस को लेकर इतना टोटका क्यों और बस से ही क्या तमाम चीजें पूरी होती हुई नजर आएंगी, जानने की कोशिश करेंगे। शैलेश नितिन त्रिवेदी मेरे साथ लगातार बने हुए कांग्रेस के प्रवक्ता है। शैलेश जी, अब बात आती है बस की। आप कह रहे थे पहले जो बात के चलिए मुद्दों की बात है उसको उठाए कांग्रेस, और निश्चित तौर पर विपक्ष के तौर पर जो खामियां हैं वो उठाना दायित्व भी है, लेकिन अगर हम बस की बात करें तो पहले रथ नाम था, अब रथ नाम को जोगी जी ने कहा कि रथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि रथ त्रेता युग से लेकर तमाम आप देख लें कि रथ पे जो कोई सवार हुआ है उसको मात मिली है, तो ये टोटका नहीं है तो क्या है? देखिए, रामचरितमानस का एक प्रसंग है। हाँ हाँ। रावण से जब भगवान राम का युद्ध हो रहा था, हाँ, तो रावण रथ पे सवार था और भगवान राम रथ पे नहीं थे, तो तुलसीदास जी ने लिखा है, हाँ, रावण रथी बिरसी रघुवीरा। हाँ। तो कोई रथ से हमें परहेज नहीं है, लेकिन इस बस का नाम परिवर्तन एक्सप्रेस है और इस बस के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन आएगा कांग्रेस जो मुहिम चला रही है, इस तरीके से मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं, लेकिन देखिए तरीके से आपने आदिवासियों को जिस नहीं, शैलेश जी टोटका तो आपने माना, टोटका अगर आप नहीं मान रहे होते तो आप ये बात क्यों कहते हैं? आप तो कह ही रहे थे कि बस बड़ी बेहद भाग्यशाली है, बस से ही सब कुछ हुआ है, बस ने चुनाव जितवा दिया, बस ने असम में भी चुनाव जितवा दिया, अगर ये टोटका नहीं है तो क्या है? ना मैंने बस ने चुनाव जिताया ये कहा, ना मैंने टोटका भागशाली है, आपने कहा था बस बेहद भागशाली है, मैंने सुना जहां जहां गई वहां सुना आपको। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं जी, हमारा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां अनुकूल हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है, हर साल कोल ब्लॉक का एक नया मामला सामने आ जाता है, आदिवासी बच्चियों के साथ अनाचार होता है, सड़के गुआ में आदिवासी मारे जाते हैं, अनुसूचित जाति का आरक्षण कम कर दिया इस सरकार ने, पिछड़े वर्ग के लोग इस सरकार से नाराज हैं, किसानों को कहा था कि धान पे बोनस देंगे नहीं दिया, शिक्षा कर्मियों को कहा था नियमित करेंगे नहीं किया, ये वादा खिलाफ सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, ये अनाचार को प्रश्रय देने वाली सरकार, इससे छत्तीसगढ़ की जनता छुटकारा पाना चाहती है। हमारा ये वाहन आया है, हमारा ये वाहन बेहद भाग्यशाली है, जिस राज्य में गया वहां परिवर्तन हुआ है, यही तो स्थितियां अनुकूल है, यही तो बात है, यहां पर परिवर्तन अवश्य होगा। अच्छा, तो एक रात अगर मैं गलत नहीं हूं, परिवर्तन के लिए अगर जानकारी पर्याप्त हो करते हैं, अरे नहीं मेरी जानकारी अगर पर्याप्त हो तो आप बताइएगा थोड़ा सा, एक रथ तो वहां पर भी आ रहा है बीजेपी के लिए जो गुजरात में चला था और वहां पर नरेंद्र मोदी जीत गए थे। भाजपा रथों की राजनीति करती है। नहीं, अब देखिए वाहन की बात आ रही है, राजनीति से आपका वाहन जिता दिया, वहां से बात कर रहे हैं, उनके वाहन ने वहां जितवा दिया, तो दोनों वाहनों में टक्कर होगा और कांग्रेस की परिवर्तन एक्सप्रेस दुर्घटना जरूर आई है, वाहनों की दुर्घटना मत करवाइए। मेरा टक्कर से आशय दोनों वाहनों के भौतिक टक्कर से नहीं था, एक अभियान भाजपा भी चला रही है, एक अभियान हम भी चला रहे हैं, हमारा अभियान सफल होगा हमें पूरा विश्वास है। लेकिन आपको लगता है कि एक बेहद जो जरूरी चीज है, चलिए परिवर्तन यात्रा में जैसे शुरुआती तौर पर कह रहा था एक अभियान है और अभियान के जरिए कांग्रेस दरअसल शंखनाद करने की कोशिश कर रही है, क्या माना जाए आपके इस परिवर्तन यात्रा को जितना बड़े स्तर पर आप लोग ले जाने की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जो कांग्रेस के नए रणनीतिकार हैं, शिल्पकार हैं, कांग्रेस को नया आकार दे रहे हैं, राहुल गांधी इस परिवर्तन यात्रा में अपनी कितनी शिद्दत से खड़े हुए दिखाई देंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में? हमें कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के बारे में अभी कोई जानकारी, कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन इसलिए मैं पूछ रहा हूं शैलेश जी इसी को कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि आपकी आप खुद कह रहे हैं आपकी ये परिवर्तन यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष है, परिवर्तन यात्रा जो है उसे अगर कहा जाए तो ये आपका ब्रह्मास्त्र भी है, इस बात को आप मानेंगे कि इस यात्रा के जरिए आप ब्रह्मास्त्र चलाएंगे? ब्रह्मास्त्र तो आजकल रमन सिंह जी चलाते हैं, कहा कि वे सब फेल होते लगे तो बोले मैं आखिरी में ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। कांग्रेस चुनौती देती है मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को कि यदि उनके पास ब्रह्मास्त्र है, बार बार ये मासूम बच्चियों के साथ अनाचार होता है, झलियामारी की घटना हुई, बिल्कुल बालोद में आमाडुला की घटना हुई, अब दुर्ग में घटना हुई, क्यों नहीं चलाते हैं ब्रह्मास्त्र? राज्य के मुख्यमंत्री किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? राज्य में बच्चियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। अगर उनके पास ब्रह्मास्त्र है
तो कांग्रेस की चुनौती है कि ब्रह्मास्त्र चलाएं, और अगर ब्रह्मास्त्र नहीं है तो जनता को गुमराह करना छोड़ दें कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। चलिए, आप कह रहे हैं जनता को गुमराह करना छोड़ दें, लेकिन एक पहलू यहां पर यह भी हो जाता है कि परिवर्तन यात्रा एक आपका सशक्त अभियान है, आप उससे काफी उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं, केवल इस चीज के सहारे तो नहीं आगे बढ़ा जा सकता कि केवल टोटके का इस्तेमाल किया जाए। आपका कार्यकर्ता इस परिवर्तन यात्रा में जो बस है, अगर बस की हम बात कर लें, तमाम सुविधाओं को आप बता रहे थे, बड़ी हाईटेक बस है ये, आपका कार्यकर्ता क्या इस परिवर्तन यात्रा या इस बस के बाद उत्साहित नजर आया आपको? कांग्रेस राज्य में इस समय दो अभियान चलाने जा रही है। 12 तारीख से परिवर्तन यात्रा चालू हो रही है और अप्रैल प्रथम सप्ताह से हमने घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस का एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया हुआ है। हम लोग हर मतदान केंद्र में हर दरवाजे जाकर, 3 महीने का अभियान है ये, हम भाजपा सरकार की असफलताओं के साथ साथ कांग्रेस की यूपीए सरकार ने गरीबों के लिए जो कुछ भी किया है, रोजगार योजना चलाई है महात्मा गांधी की, 108 संजीवनी एक्सप्रेस जैसी एम्बुलेंस लाई है, जिस तरीके से स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट कार्ड योजना चालू की है, धान के समर्थन मूल्य में एनडीए की सरकार ने, श्री अटल बिहारी, आप अपने अभियान के प्रति आश्वस्त हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी? मेरे पास समय बेहद कम है, मैं बस के जायजे के दौरान एक शब्द और आपसे सुन रहा था, बस की क्वालिटी में, बस की गुणवत्ता में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है बस के अंदर, तो क्या ये प्लेटफॉर्म कार्यकर्ताओं का संगठन के तौर पर दिखाई देगा, जिस प्लेटफॉर्म पे गुटबाजी नहीं दिखाई देगी? कांग्रेस में, कांग्रेस के किसी प्लेटफॉर्म में कोई गुटबाजी नहीं दिखेगी, कांग्रेस पूरी ताकत लेकिन विश्वास जाना नजर आया, मेरे पास समय कम था, माफी चाहूंगा, बहुत शुक्रिया शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कांग्रेस का टोटका कितना सैलाब लाएगा वोट का, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन टोटके का खेल दिखाई दे रहा है सियासत के मैदान में। खास पेशकश में इतना ही, वक्त पड़ेगा।